नारद की आत्मा? प्रभु, आपके परम भक्त नारद की आत्मा इस तरह कब तक भटकती रहेगी, बताइए ना भगवान। जब तक ब्रह्मदेव नारद को क्षमा नहीं कर देते तब तक। क्षमा भोलेनाथ, नारद ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? भूल गई पार्वती, सृष्टि रचना के बाद ब्रह्मदेव ने नारद से विवाह करने के लिए कहा और उसने ना कर दिया, बस पिता ने पुत्र को श्राप दे दिया। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, अब क्रोध छोड़कर नारद की आत्मा को अपने श्राप के बंधन से मुक्त कीजिए। संसार के कल्याण के लिए नारद को फिर से जन्म दीजिए। और नारद के जन्म लेते ही तीनों लोक में फिर से लड़ाई झगड़े का जन्म हो जाएगा गुरुदेव। नहीं देवराज इंद्र, नारद के हर लड़ाई झगड़े का अंत सदा कल्याणकारी रहा। और ये मत भूलो इंद्र, मेरे लाल ने कितनी बार तुम्हारा और तुम्हारे देवताओं का भला किया है। स्वामी, बृहस्पति जी ठीक कहते हैं, मेरे लाल को फिर से जन्म दीजिए। दया करो ब्रह्मदेव, एक बार फिर से नारद की वीणा पर नारायण का नाम गूंज उठे। नारायण का नाम, नारायण। तुम्हारे श्यामल केशों के माधव स्पर्श से पारिजात के इन पुष्प की सुंदरता और सुगंध और भी बढ़ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पटरानी लक्ष्मी देवी का सिर है ना, पारिजात के पुष्प ही क्यों, पूरा वृक्ष ही लगा दीजिए ना। गंगा, सरस्वती, ये आपकी पत्नी है तो हम भी आपकी पत्नियां हैं, फिर लक्ष्मी से ही इतना प्रेम क्यों, जल क्यों रही हो, लो लगा लो अपने सर पे। तुम्हारे सिर की उतरी वेणी हम क्यों लगाए, लगाओ अपने सिर पे। अरे अरे गंगा सरस्वती, ठहरो तो। नारायण नारायण। नागराज, हर समय तुम ही भोलेनाथ के गले में लिपटे रहोगे तो मैं कहां जाऊं? माता, आप भी अपने धर्म का पालन कीजिए। तो तुम नहीं हटोगे? मैं क्यों हटूं? आप तो अभी अभी पत्नी बनकर आई है, मैं तो युग युग से हूँ। सुन लिया भोलेनाथ, ये आपका भक्त मेरा अपमान कर रहा है। क्या बात है भक्तराज? माता जी चाहती है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं। ये कैसे जा सकता है, ये तो मेरा अनादिकाल से श्रृंगार है। तो लिपटाए रखिए ना आप इसे अपने गले में, मैं तो चली मायके। अरे अरे गौरी, कहाँ चली? नारायण नारायण। अजी कमल पर आंखें बंद किए चुपचाप बैठे रहोगे या कुछ मेरे भी सुनोगे? ब्रह्मानी तू? हाँ हाँ मैं, ब्याह कर मुझे लाए और ध्यान किसी और का कर रहे हो? नारायण नारायण। कहिए ना क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ देवी, हाँ उलझन में जरूर पड़ गया। ब्रह्मा जी, आप तो उलझन में ही पड़े हैं, परंतु क्या बताऊं, मैं तो एक बहुत ही बड़े चक्कर में फंस गया हूँ। विष्णु जी, यहाँ भी यही हाल है, बिना भंग पिए ही मैं तो घनचक्कर बन गया। क्या हो गया है भोलेनाथ जी? तुमसे क्या पूछते हैं, मुझसे पूछिए। सुनिए भगवान, बस एक से ही भर पाए, यहाँ तो एक दो तीन 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 है, अब आप ही सोचिए हमारी क्या दुर्दशा होती होगी। हमारी एक आपकी तीन के बराबर है, पल में गौरी और पल में महाकाली। हाँ हाँ दे लो गाली, विष पीकर नीलकंठ जो बने हुए हो और ये पुरुषोत्तम जो बने हुए हैं। क्यों ब्रह्मानी, ठीक है ना? हाँ गंगे, हम स्त्रियाँ कितने दिन के लिए मर मिट जाएं, पर इनके पेट का पानी तक नहीं हिलता। केवल पेट का पानी नहीं, ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, शिव लोग, सभी लोग, समझ में नहीं आता कि आज देवी और देवताओं के बीच में उत्पात कैसा, किसके चरण आ गिरे हैं यहाँ। मेरा मानव नारद, नारद नहीं जड़ की जड़ कहिए। देखा, श्रीमान जी ने प्रकट होते ही रंग दिखा दिया। मैं चाहता हूं पूरे त्रिलोक में ये रंग दिखाए, इसलिए इसका जन्म हुआ है स्वर्ग में और लालन पालन होगा धरती पर।
भज मन नारायण 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 चराचर में व्यापक है श्री हरि नारायण पर ब्रह्म सच्चिदानंद जगत पालक है श्री हरि नारायण ओ भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 तक न हिले ओ मर्जी से ही नारायण के आकाश में चंद्र सूर्य निकले ओ भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन दयालु हो देवपुत्र जैसा बालक लेकर आपने मेरी सुनी गोद भर दी धन्य हो प्रभु धन्य हो नमस्कार कर नारायण नारायण ये नमस्कार क्या होता है तेरे जी बस
नारायण ही सीखा है और कुछ नहीं सीखा है। जो नहीं सीखा वो आप ही सिखा दीजिए। अच्छा गुरु जी आप ही सिखा दीजिए। सिखा दूं? तो सीख ले नमस्कार कैसे होता है। गुरु जी नमस्कार। कल्याण हो बच्चा। बच्चा वाह गुरु जी क्या आशीर्वाद दिया है। अरे ये क्या आशीर्वाद देगा हम इसे आशीर्वाद देंगे। चल नमस्कार कर। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। वागरे जी एक जगह तीन 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 है ब्रह्मा विष्णु महेशम तीन है धरती गगन पतालम नारद कहे सुनबई केला तुम और पूरे गुरु घंटालम। क्या बोल रहा है गुरु जी कुछ गोल गोल बोल रहा है। हाँ केला गोल गुरु जी गोल सब गोलम गोल नहीं समझे। नारायण नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव आपने नारद की बुद्धि के चमत्कार देख लिया। हाँ भोलेनाथ परंतु नारायण की भक्ति के बिना ये चमत्कार और नारद का जीवन सब व्यर्थ है। नारद का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा ब्रह्मदेव। आओ उसके हृदय में हम भक्ति की जो जगमगा दें। आज मैं तीनों महात्माओं के दर्शन करके धन्य हो गया। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। बालक ब्रह्मा विष्णु महेश तो अखिल ब्रह्मांड की तीन महान शक्तियाँ हैं और हम तो केवल एक साधारण सन्यासी साधारण सन्यासी हैं। बालक आप साधारण नहीं महान हैं। कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बालक विश्व कल्याण के लिए हम एक शांति यज्ञ करना चाहते हैं और उसके लिए घी गेहूं उड़द और दूसरी सामग्री की आवश्यकता है और साथ में 100 ब्राह्मणों का भोजन और उनका दक्षिणा भी। नारायण नारायण ए छोटो क्या है। अरे बाप ने कितना धन जमा करके रखा है और उसमें तेरी नियत क्यों बिगड़ी है। अरे बाबा धर्म के लिए वो साधु मत में है ना वो शांति यज्ञ करना चाहते हैं। काम तो सचमुच बड़ा धर्म का है। मेरा बाप मर गया होता तो आज ही पूरा धन लुटा देता पर क्या करूँ। अब भी तू लुटा सकता है। कैसे बाप तो बड़ा मक्खी चूस है। पर तू तो दानी है ना। हाँ दानी माँ दानी चलो आज बाप की मर जाए नानी। तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देवा। पिताजी हाँ बेटा जी दादा सुना बद्रीनाथ से तीन महात्मा भी आए। तो हमारे लिए क्या लाए हैं। लाए नहीं पिताजी लेने आए हैं। क्या कहा लेने आए। अरे भाई भूखे हो तो किसी भंडारे में जाएं अगर रहना हो तो किसी धर्मशाला में जाएं और माल लेना हो तो दादा मोदी राम के पास आए। क्या कहा माल। हाँ पिताजी साधु महाराज यज्ञ करना चाहते हैं। कैसा यज्ञ। कल्याण के लिए शांति यज्ञ। बस दो मन घी एक मन घे हो दो ब्राह्मणों के लिए भोजन का सामान। अब क्या धोती है सौ सोने की मुद्रा है। बस इतना ही। जी आप पिताजी लो साधु महाराज काम बन गया। क्या काम बन गया। तुमने क्या मेरी दौलत को किसी लुटेरे का माल समझ रखा। बड़ा फूल लगेगा चाचा जी आपकी दौलत चौगनी हो जाएगी। चौगनी हो जाएगी। चौगनी हो जाएगी तब आना साधु महाराज। 100 रुपया दे दूंगा कौड़ी कौड़ी जमा करके ये दौलत इकट्ठी की है। तुम जैसे भीख मंगों के लिए नहीं फिर किसके लिए पिताजी। तुम्हारे लिए बेटा जी। फिर मैं इन साधुओं को दान कर देता हूँ। अबे ओ अभी मैं मर नहीं गया कदे के बच्चे चलो भागो यहाँ से। अरे क्या तो भागो रही। वहाँ ये तीनों चमत्कारी साधु 1000 वर्ष तपस्या करके हिमालय से लौट रहे हैं। अच्छा बेटा। हाँ हाँ अगर आपको इनका आशीर्वाद मिल गया तो आप 200 साल जियोगे और सदा जवान रवि। नमस्कार साधु महाराज। अजी मुंह क्या तक रहा जल्दी तेरा नमस्कार करो इन भिक्षुओं को। कैसी बातें करता तुम्हारे मुंह में कीड़ा पड़ा और ठेके जल्दी से नमस्कार करो। नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। नमस्कार ऐसे नहीं करोगे। अगर तुम मर गए तो दस दुखा हो के 200 साल जी मिली तो किस बार का। मैं कैसे चलो नमस्कार करो चलो चलो। अरे बाबा नमस्कार अब तो जाओ। जी बेटे इन साधुओं को यह करने के लिए सामान
हाँ हाँ बेटा, जो जी कहेंगे मेरे को इधर से। सर्वनाश। अबे हाँ, वो क्या ले जा रहा है? बेटा जी क्यों? अरे रख दे, रख दे। अच्छा अच्छा रख दे, बेटा बेटा ले जा। मेरी सारी उम्र की कमाई कर रहा है उसकी सफाई। अरे हे भगवान, मुझे मशिंडे साधुओं से बचाओ, भोले शंकर कहो प्रभु, अपने भक्त की रक्षा करो। अरे मैं लुट गया, अरे छोटू तू मर क्यों नहीं गया? अरे शास्त्री जी किधर है? शास्त्री जी सुनो, सुनो जी, हे शास्त्री जी, अपना भला चाहते हो तो मोटेराम जी का सारा माल हमें सौंप कर गुरु सदानंद के चेले बन जाओ। परंतु शिवानंद तो छह मुख वाले हैं, आपका तो एक ही मुख है। शिवम शिवम, हम छह मुख की बात एक मुंह से करेंगे, तुम्हें हमारे साथ साफ साफ करना होगा। हाँ, और उसकी शर्त यह होगी कि यदि तुम हार गए तो तुम्हारा सारा सामान उठा के हम ले जाएंगे। और तुम्हारे शास्त्री जी हार गए तो हम अपना सारा सामान तुम्हें दे देंगे, क्यों गुरु जी? हमें स्वीकार है। हाँ, तो वेद कितने हैं? चार। शाम वेद, यजुर वेद, ऋगु वेद, अथर्व वेद। झूठ, वेद चार नहीं होते। यदि वेद चार नहीं होते तो पंडित जी बताइए कि वेद कितने होते हैं? चार दुनी आठ। आठ? आठ? वो कैसे? साम वेद वेदिनी, ऋग वेद वेदिनी, यजुर वेद वेदिनी, अथर्व वेद वेदिनी। शास्त्री की शास्त्री जीत गए और ढोंगी हार गए। अरे देखते क्या हो, जीतने वाले का मुंह गोरा और हारने वाले का मुंह काला। सामान चलो, कौन जीत सकता है? नारायण नारायण, महात्मा जी ये सब क्या? बालक, शिवानंद शास्त्री से हमने शास्त्रार्थ किया और हम सब कुछ हार गए। हार गए उस पाखंडी से? हाँ बालक। वो कैसे? उसने हमसे पूछा कि वेद कितने होते, हमने कहा चार और उसने कहा आठ। आठ कैसे? बालक, वेदों की पत्नियां भूल गए थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझा। वैसे तो क्या था, वो बना षडानंद शास्त्री तो हम पंडित हो दे रहा हूँ। बोलो लोटाराम की जय। लोटाराम की जय। जय 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 लोटा राम, गुरु लोटा राम, जय जय।
के हाथी को। अरे भाग तू क्या दिखलाता, अरे घुट, अरे भाग तू क्या दिखलाता, भाग तेरा है मंदा, ब्याज को प्याज समझ कर खाता, बना है तू मुस्तंद पड़ेगा डंडा, तो फूटेगा तेरा फंडा, कुछ कर्म तो कर ले अच्छा, कहता है पंडित सच्चा, जीना है तुझे इस साल, दक्षिणा दे दो जी। बोलो पंडित जी अब मेरी गोद भरेगी कब? हाँ तेरा भाग्य है बेटी कच्चा, तुझे होगा ना बच्ची बच्चा, जब होगा ना बच्चा तेरे तो घर से निकल जा मेरे। तो ये है तेरे लिए लक्ष्मी, समझे बेटा, हाँ ये है तेरे लिए लक्ष्मी, तुम मूर्ख नादान, जिस दिन किसका बच्चा होगा जाएगा तू शमशान, बात ये चक्की तेरी किस्मत की, ये चक्की तो पूजा इसकी कर ले, चरणों में शीर्ष को धर ले, दिल दाम दिए तब जाए दक्षिणा होने वाला है, आशीर्वाद दीजिए इसे। कल्याण हरिओम हरिओम हरिओम। माँ
इन साधु बाबा की तो सेवा कर रही, अब इन तुम्हें महात्माओं को ले आओ। अवश्य ले आओ बेटे, किंतु देर न करना, जल्दी वापस आ जाना। हाँ अभी आए। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे प्रभु। नहीं नहीं मेरे प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, मुझे आप फिर से वही रूप दिखाइए। प्रभु कहाँ चले गए, फिर झलक दिखा के कहाँ चले गए? एक बार तो सामने आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं जीवित रह सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? बिता जा रहा है, कहाँ चला गया नारद? यह लड़का भी जहाँ जाता है वहीं बैठ जाता है। अरे बेटा बिरजू, क्या है चाची? दौड़ के धर्मशाला चला जा, मेरे नारद को बुलाना, जल्दी जा बेटे। अब भी आया चाची? नहीं प्रभु। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? भगवान को ढूंढने। आज तो तेरा योग्य पेट है, चल घर चल। नहीं चाचा, माँ से कह रहा हूँ जब तक मुझे भगवान नहीं मिलेंगे मैं घर नहीं आऊँगा। अरे बेटा, अरे बेटा सुन, भगवान कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? चाची चाची, नारद तो धर्मशाला में नहीं है। नहीं है तो फिर कहाँ चला गया? साधुओं को ढूंढने। सुलझा बहन, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। उसने कहा मेरी माँ से कह देना, जब तक वे महात्मा नहीं मिलेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा। नारद, मेरा नारद मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तेरी आयु भी नहीं भगवान को पाने की, चल बेटे घर चल, उठ बेटे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दशध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष सर्वमंगलाय तदोहरणि। अच्छा बेटे अब खड़े हो जाओ। बेटे माता जी को प्रणाम कीजिए। स्वामी हमारा पुत्र नारद तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा। हाँ उसके यज्ञ पवित हुए भी एक वर्ष हो गया है। तो क्या उस जन्म में वो संसार वासी बनकर रह जाएगा? नहीं देवी, नारद शीघ्र ही संसार का त्याग करेगा। उसके हृदय में भगवान नारायण नाम की ज्योत लग चुकी है, वो नारायण को पाने के लिए व्याकुल हो उठा है। अब तुम्हें बता मैं क्या करूं? माँ का प्रेम, माँ के आंसू मुझे आपके पास नहीं आने देते। प्रभु मेरी माँ के मन में ऐसी भावना पैदा कर दो जिससे मेरे प्रति उसका मोह दूर हो जाए, वो मुझे भूल जाए, मेरा त्याग कर दे। दया करो, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो,
मेरे नारद को मुझसे मत छीनो। नारद केवल तेरा ही नहीं सारे संसार का है। उसका जन्म जगत के कल्याण और पाप का अंधेरा दूर करने के लिए हुआ है। संसार तुमसे त्याग चाहता है, त्याग। सुगंध को चारों ओर फैलने दे। तू माँ है, हर पुत्र को महान बनाने वाली उसकी माँ होती है। अपना सारा प्रेम वात्सल्य संसार पर बिछावर कर दे। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य का पालन करूंगी, अपने लाल का त्याग कर दूंगी। एक दिन आपने मुझे इसे दिया था, आज मैं आपको इसे दे रही हूं। प्रभु आप ही इसके सर्वस्व है, इसकी रक्षा करना प्रभु, इसकी रक्षा करना। नहीं सारे संसार का है, जा भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगा दे, यही तेरी माँ की आज्ञा है।
लगी रहती। देवर्षि नारद त्यागी है, वैरागी है। रहने दीजिए गुरुदेव, मैं इन त्यागी वैरागियों को अच्छी तरह जानता हूं। कामदेव वत्सला, क्या गया है देवराज? नारद धरती पर अखंड तपस्या कर रहा है, तुम दोनों किसी भी तरह उसकी तपस्या भंग कर दो, जाओ। Thank you.
वत्सला, मेरे सभी बाण व्यर्थ हो गए। तुम्हारे नृत्य और संगीत भी नारद की समाधि को भंग न कर सका। मेरे साथ साथ तुम भी पराजित हो गई। मेरे इस पराजय में भी मेरी विजय है। वो कैसे? जो मैंने अब तक नहीं पाया वो मैंने आज पा लिया। समझ गया। अब इंद्रलोक वापस लौट चलो। इन्हें छोड़कर इंद्रलोक से क्या, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। वत्सला, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैं आप आ गए, मैं पूर्ण हो गया। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। उठो नारद, तुम्हारे द्वारा संसार वासियों का जीवन सफल हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं नारद, तुम्हारा खोया हुआ जन्म जन्मांतर का ज्ञान और सिद्धियां तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएंगे। नारद, तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे और आज से तीनों लोक में जहां चाहोगे भ्रमण कर सकोगे। मैं तीनों लोक भ्रमण कर सकूंगा, मुझे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो गई। नारायण 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 नारायण। कौन हो तुम? इंद्रलोक की अप्सरा वत्सला। किंतु ये फूल? प्रेम के फूल। प्रेम के फूल? नहीं समझे? इन पुष्पों के साथ मैंने अपना हृदय भी आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। छोड़कर कहाँ चले, अपना लीजिए। आपके प्रेम ने मुझे विवश कर दिया है। दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए मैं अपने तपोबल को नष्ट नहीं कर सकता। आपको अपने तपोबल पर इतना अभिमान? ये अभिमान नहीं, विश्वास है, विश्वास। तुम तो क्या, सृष्टि की कोई भी नारी मुझे अपने पद से नहीं दिखा सकती। आप भूल रहे हैं, नारी के सामने बड़े बड़े मुनि देवता भी हार चुके हैं। नारी काम की शक्ति है और काम ने किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक के भगवान शंकर। मैं शंकर नहीं और ब्रह्मदेव भी नहीं जो कामदेव के चक्कर में आ जाऊं। मैं नारद हूँ, काम विजय का नारद। समझी? काम विजय का नारद। स्वामी, कितने वर्ष बीत गए, कब आएगा मेरा लाभ? नारायण नारायण। मेरे बेटा, मेरा लाभ। प्रणाम माता जी। चुप जियो मेरे लाल। माँ तो सदा अपने बेटे को आशीर्वाद दिया ही करती है, लेकिन अगर पिताजी ने फिर से शाप दे दिया तो? तू चिंता न कर बेटे, तेरे पिताजी अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माँ हो तो ऐसी। नारद, तूने फिर माता पिता के बीच झगड़ा लगाने का प्रयत्न किया। ओ पिताजी प्रणाम, माता जी के ध्यान में मैं आपको भूल ही गया था। तू सब कुछ भूल सकता है, किंतु इधर की उधर लगाना कभी नहीं भूल सकता। पिताजी, इधर की उधर तो सभी लगाते हैं। नारायण नारायण। उदास क्यों? तुम तो नारद की तपस्या भंग करने गई थी। हाँ, पर पराजित हो गई और पराजय प्रेम में बदल गई। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम नारद का प्रेम पा सकोगी? देवी, यही तो बड़ी समस्या है। वो अभिमानी योगी अपने तप के कारण स्वयं ब्रह्मदेव और कैलाशपति महादेव को भी अपने सामने तुच्छ समझने लगा है। नारद को अपने तप का इतना अहंकार? पिताजी, ये अहंकार नहीं, सूर्य के प्रकाश के समान सत्य है। कामदेव के समस्त काम बाण मेरी तपस्या से टकरा कर व्यर्थ हो गए। ठीक है नारद, किंतु काम विजय की बात मुझसे कही तो कही, और किसी से न कहना। पिताजी भी मेरे विजय का लोहा मान गए। अब तीनों लोगों में कोई मेरे समान योगी नहीं, कोई तपस्वी नहीं। भगवान, देख लिया अपने नारद का अभिमान? विजय का अभिमान तो सबको होता है देवी, चाहे मनुष्य हो या देवता। परंतु मुझे भय केवल इस बात का है कि कहीं नारद भगवान शंकर के सामने अपनी प्रशंसा के गीत न गाने लगे। आप ही बतलाइए भगवान भोलेनाथ, संसार में अपनी बड़ाई के गुण कौन नहीं करता? सभी कहते हैं नारद। तो फिर अपनी बड़ाई करते हुए यदि मैं ये कह दूं कि भगवान भोलेनाथ कामदेव से हार गए थे,
परंतु मैं मैं नहीं। क्या बुरा है? कुछ भी नहीं, किंतु कहीं बुरा ना हो जाए इसलिए ये बात लक्ष्मीपति से न कहना। क्यों तुम ठीक है ना? हाँ हाँ, भोलेनाथ ठीक कह रहे हैं, लक्ष्मीपति से कभी न कहना। आहा, लक्ष्मीपति, नारायण 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 गंगा सरस्वती और इन तीनों देवियों के बीच में घिरे हुए स्वयं नारायण। सच कहा है किसी ने, नारियों की माया से बचना असंभव। ये तो केवल तुम्हारे लिए संभव है नारद, क्या ये सच है? मैंने सुना है कि कामदेव की शक्ति, इंद्रदेव की वत्सला का रूप, संगीत नृत्य भी तुम्हें मोहित नहीं कर सके। हाँ भगवान, कुछ नहीं कर सके। नारद हिमालय है, माया मोह की समस्त लहरें आई और टकरा कर चली गई। धन्य हो नारद, धन्य हो, अब तो तुम भोलेनाथ और ब्रह्मदेव से भी ऊंचे उठ गए। डर है इतने ऊंचे उठकर कहीं गिर ना पड़ो। माता जी, नारियों का चक्कर बहुत बड़ा होता है। नारी नारी नारी, अजी एक क्या, अगर हजार नारियां मिलकर आए तो मुझ ब्रह्मचारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान, ये बंदर कौन है, स्वर्ग में कैसे आया? अपनी भक्ति के बल पर इसे हरि नाम प्राप्त हुआ है। क्यों रे हरि, तुम उस पर क्यों हंसा? तुम्हारे अभिमान पर नारद, मायापति की माया से आज तक कौन बचा है? अरे चल, मा कर छाप मायापति की माया। महादेवी, मैंने तो अपना कार्य पूर्ण किया है, अब तुम विश्व मोहिनी का रूप धारण कर नारद के हृदय में तुम्हारे प्रति मोह उत्पन्न कर दो। किंतु प्रभु, कहीं उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? मेरी माया के प्रभाव से वो तुम्हें कभी पहचान नहीं सकेगा। जैसी आपकी आज्ञा। देखकर बताइए इनका पति कौन होगा? नारद जी, मुकड़ा नहीं, हाथ देखिए, कल इनका स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर? हाँ हाँ, जल्दी बताइए ना, बताइए ना। मैं क्या बताऊं? अच्छा, आप नहीं बताते तो हम बता दें। हाँ बतलाओ। इनके पति अवश्य भगवान होंगे। विश्व मोहिनी के पति भगवान होंगे? नारायण। त्रिकालदर्शी देव ऋषि, मेरा भी हाथ देख लीजिए ना। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। क्यों, विश्व मोहिनी का हाथ तो बड़े प्रेम से देख रहे थे, देखिए ना। अच्छा,
ऐसे नहीं, हाथ पकड़कर। हाँ हाँ, डरिए नहीं, धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, मैं कोई नहीं हूँ। अच्छा, हाय। बताइए ना, मेरा पति कैसा होगा? गधा। क्या? नहीं समझे, गधा गधा। आपका रूप तो गधे जैसा नहीं। चुप रह। आपके मुंह पर क्रोध की लाली और मेरी उमरिया बाली। निर्लज। सुनिए ना, छोड़ दे, मेरा रास्ता छोड़ दे। जाइए, अवश्य जाइए, लेकिन एक बात सुनते जाइए। क्या? अगर विश्व मोहिनी ने आपको ठुकरा दिया तो आत्महत्या मत कर लेना, मैं सदा आपकी हूँ। प्रसन्न दिखाई देते हैं। बोलना तो कोई अनोखी वस्तु देखकर चले आ रहे हो बेटे? पिताजी, अनोखी वस्तु ही समझ लीजिए, मैं घूमता घूमता माया नगरी में पहुंच गया। अच्छा। हाँ। क्या माया नगरी में माया मिल गई? अजी, माया को क्या करना है, मुझे मिल गई विश्व मोहिनी, राजकुमारी विश्व मोहिनी। वो कैसी है बेटे? पिताजी कहाँ आप? पिताजी सुंदर, अति सुंदर, महासुंदर। तब तो भगवान, हम तीनों स्वयंवर में चले चले। हाँ हाँ, हम तीनों उपस्थित रहेंगे। ना 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 ना, आप लोग जाएंगे वो तीनों माताएं सत्याग्रह कर लेंगी ना। तो तुम चले जाओ ना बेटे। क्यों मरी? हाँ बेटे। हाँ हाँ, घर में बहू आ जाएगी, फिर बाल गोपाल होंगे। और नारद जी पिता बनेंगे, ब्रह्मा जी दादा बनेंगे, और आप दादी माँ बनेंगे। लड़की तो पसंद है ना? माँ देखा, मन में से लड्डू फूट रहे हैं। हाँ हाँ, लड्डू तो फूट रहे हैं। सोचता हूँ कब तक इस तंबूरे को उठा सकता हूँ। तब तो किसी को पत्नी बनाकर उसका हाथ पकड़ लो। प्रभु, आपने तो तीन दिन के हाथ पकड़े हुए हैं, मैं भला एक विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ लूं तो क्या? अरे 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 अरे, एक हाथ कहूं, 10-20 का हाथ पकड़ लो ना। नहीं नहीं माता जी, 10-20 तो प्रभु को शोभा देती है, मेरी तो एक ही के विचार में छुट्टी कर रखी है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए। जाऊं? भगवान, मुनिवर ऐसा रूप लेकर जाएंगे तो ठीक ही तो है। नहीं नहीं भगवान, ठीक नहीं है, मुझे कोई सुंदर सा रूप दे दीजिए। परंतु कैसा रूप? अपने हरि जैसा। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा रूप दे दीजिए। हाँ 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 हाँ, माता जी ऐसा रूप। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं भगवान, हमारे पुत्र की इच्छा अवश्य पूरी की। क्या इच्छा है आपके पुत्र की? इसे हमारे हरि जैसा रूप दे दीजिए ना। अब तो प्रसन्न होना बेटे नारद। हाँ पिताजी, जरा जल्दी कीजिए। शीघ्र Thank you.
मोहिनी मन मोहिनी लाखों चंद्रमाओं को शोभाने वाला रूप मोहिनी ऐसी क्या बात है राजकुमार जी आप कौन से देश से आए हैं? प्रेम नगर से। आपका शुभ नाम? प्रेम कुमार। तो फिर प्रेम से आप संग्रह कीजिए, आइए ना। आइए तोती जैसी नाक, गजरारी आंखें जैसी कमल की फाँक, लाल लाल ओठ, लाल लाल गाल, नागिन जैसी लट, चाल हाथ। तुम विश्व मोहिनी और मैं विश्व मोहिना, मैं केवल तुम्हारे ही लिए पैदा हुआ हूँ। दिया लेकर भी ढूंढो बिना तो मुझे पति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हे गजकाम कंचन कामनी, मेरे पास आओ और मेरे गले में वरमाला डालकर अपने आप को पावन कर लो। ठहरिए धीरज रखिए, धीरज का समय नहीं है। अरे आप विराजिए तो राजकुमारी जी, आप ही को वरमाला पहनाएंगे। मुझे आप पहनाएंगे ना? सुन रही, यहाँ वो जैसा शक्तिवान बलवान रूपवान और कोई नहीं है। डालो मेरे घरे वरमाला। हाँ हाँ, इधर मत देखो, सब कंगाल कहीं पर बैठे। एक मैं ही खैर चमीला अलबेला मतवाला, ये क्या हंसती और चल दी? वो तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रही है। अरे परीक्षा देवी, ले लो परीक्षा, एक बार नहीं सौ बार हजार बार लाख बार ले लो देवी, लेकिन वरमाला मेरे ही गले में डालना। मुर्ग नहीं, नैना उठाओ, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया हूँ। परीक्षा ना लो, डाल दो वरमाला। अरे फिर से आगे बढ़िए। अच्छा अच्छा अच्छा, सुंदरी यहाँ सब बंदर हैं, एक मैं ही सुंदर हूँ। डाल दो वरमाला, खोल दो मेरे भाग का खाना। ये क्या है? पहना दो वरमाला सुंदरी, पहना दो वरमाला, पहना दो। भगवान हरि, कहने को मुझे हरि रूप दे दिया और स्वयं विश्व मोहिनी को लेकर चल दिए। अपमान और अपमान देख लूंगा, देख लूंगा। जाओ नहीं दे दूंगा मैं श्राप, आज क्रोध के मारे मेरा तन मन रहा है कांप। मेरे मन को दुखा के कहां चला, इतना तो बता के जा, मैं तेरी नई दुल्हनिया हूँ, मुझे मत ठुकरा के जा। अरे दूजे लड़की के नशे में हो चूर, बिरादरी की लड़की से रहते हो दूर। अजीबो घड़ी जल्दी आएगी, जबकि तुमको भी पूछ लग जाएगी। हाय जबकि तुमको भी पूछ लग जाएगी। अपने जैसा बंदर हमको क्या तुम लोग समझते हो,
मेरे क्रोध की ज्वाला से तुम लोग जरा नहीं डरते हो। सुन मोरे बंधु रे, सुन मोरे मितवा, सुन जात भाई रे, सुन मोरे बंधु रे, सुन मोरे मितवा, सुन जात भाई रे। तू है जो स्वर्ग का बंदर, हम है धरती के, तेरी मेरी सूरत एक, तेरी मेरी मूरत एक। पानी में देख जरा तू अपनी परछाई रे, सुन जात भाई रे, सुन जात भाई रे। पधारी देवर्षि, पधारी। कहिए, स्वयंवर तो हो गया ना, परंतु वरमाला नहीं दिखाई देती आपके गले में? वरमाला नहीं, मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि जल रही है। आज मुझे मालूम हो गया कि आप अपने भक्तों के साथ प्रेम नहीं छल करते हैं, छल। परंतु हमने किसके साथ छल किया है? मेरे साथ छल किया आपने, मुझे बंदर का रूप देकर स्वयंवर भेज दिया और स्वयं विष्णुमोहिनी के हाथों वरमाला पहनकर वहां से चल दिए। देवर्षि, आपने मनुष्य बनकर मुझे धोखा दिया है। मैं आपको श्राप देता हूं कि त्रेता में आपको यही मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। नारद, इतना ही नहीं, मेरी तरह स्त्री वियोग में आप भी दुखी होकर बन बन भटकेंगे और यही वानरों से सहायता मिलेगी आपको। तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है नारद, परंतु जिस कारण तुमने मुझे श्राप दिया है नारद, वो सब कुछ मेरी माया थी। सोहम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारद देखो, देखो नारद, माता भगवती, महालक्ष्मी, ये मैंने कैसा पाप किया? आवेश में आकर अपने इस देह को श्राप दिया, अपनी मां पर कुदृष्टि डाली। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। जानो नारद, उठो नारद, कोई पाप नहीं किया। संसार के कल्याण के लिए तुम्हारा ये श्राप किसी दिन वरदान सिद्ध होगा। प्रभु, प्रभु आपने नारद के श्राप को भी वरदान में बदल दिया। नारद जी आप भी वत्सला के लिए वरदान बन जाइए। क्या माता जी, आप भी विश्वमोहिनी न मिले तो वत्सला ही सही। वत्सला वत्सला वत्सला। ये क्या? विश्व मोहिनी ना सही, नारद मोहिनी ने पहना दी, एक ही बात है। लगा लो चाहे जितना जोर, ना टूटे ये प्रेम की डोर। प्रेम की डोर? हाँ, आप वर मैं माला, यानी आप पति और मैं पत्नी। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी का पति वती नहीं, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। और मैं प्रेम दीवानी नारी। नारी माया मोह का खिलौना है, अज्ञान का अंधकार है जिसमें मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। साधु सन्यासी और योगी उस प्रेम जाल में कभी नहीं। मैं
मुश्किल हो गया जीना, मुझे उस देवी से बचाइए। नारद, तुम मुझसे विवाह कर लो, फिर बचने बचाने की बात ही समाप्त हो जाएगी। तुम बिना बजा के गाते रहना और वो नाचती रहेगी। हंस लो माता जी, हंस लो, समय बड़ा बलवान है। सचमुच समय बड़ा बलवान है भोलेनाथ। समय का लाभ उठाकर अपने गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा पाकर भस्मासुर महाचंडी यज्ञ कर रहा। महाचंडी यज्ञ? हाँ भोलेनाथ, यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वो शक्ति पाकर देवलोक पर चढ़ाई करेगा, सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। उसे रोकिए प्रभु, उसे रोकिए। सोच क्या रहे हो नारद, रोको उस राक्षस को। मैं? नारायण नारायण, सुन लिया, माता पार्वती मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती है। क्यों, डर गए? मैं क्यों डरने लगा। तो हो जाए भस्मासुर से दो दो हाथ, तुम्हारे हाथ में तंबूरा, उसके हाथ में तलवार। माता जी, तंबूरे को तलवार से कम मत समझिए। अच्छा, तो दिखा दो इस तंबूरे की शक्ति। दिखा दूंगा। जल्दी करो, समय जा रहा है। हाँ, माता जी, समय जा नहीं रहा है, समय आ रहा है। नारायण नारायण नारायण।
दानव गुरु शुक्राचार्य अब भस्मासुर को शक्ति दिलाकर देवलोक जीतने का फिर से स्वप्न देख रहे हैं क्या? नारद, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? गुरुदेव, आपके प्रेम ने और भस्मासुर की भलाई ने। वाह 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 वाह, हमारी भलाई ने। धन्य 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 मुनिवर। ये क्या धन्य धन्य लगा रखा है? नारद ने आज तक कभी जानवरों की भलाई नहीं की। भलाई का ठेका तो एक आपने ही ले रखा है। चंडी यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते रहो और दानव राज को बुद्धू बनाते रहो। चुप रहो। अच्छा, नारद को इस समय यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो। ये दुष्ट कभी तुम्हारी सर। गुरुदेव, आप इनकी बात तो सुनिए। हाँ तो मुनिवर, यज्ञ से नहीं तो कैसे विजय पा सकते हैं? लोक पर विजय पानी है ना? हाँ। देवताओं को प्रास्त करना है ना? हाँ। तो महासती पार्वती को अपनी महारानी बनाओ। भस्मासुर। पार्वती? क्या बकते हो, पार्वती को महारानी? हाँ, देखिए गुरुदेव, जब दो आदमी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को आगे बीच में टांग लगाना ये अच्छी बात नहीं। नारद। हाँ हाँ गुरुदेव, नारद जी ठीक ही कह रहे हैं। गुरुदेव मूर्ख, ये तुझे बहकाने आया। गुरुदेव, मैं तो कल्याण का रास्ता दिखलाने आया हूँ। देवती नारद की जय। और तुम्हारी प्लेजर। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। दानवराज, मां शक्ति को पाते ही आप पाताल पृथ्वी और आकाश पर छा जाएंगे। भोलेनाथ के रहते हुए पार्वती को पाना असंभव है। आपके लिए असंभव होगा, भस्मासुर के लिए नहीं। ये देवताओं का मित्र है। तो दानव का भी तो शुभचिंतक हूँ। ये शुभचिंतक की आड़ में तेरा विनाश कर देगा। विनाश? दानव राज का विनाश आपके यज्ञ के बूढ़े मंत्रों से होगा, आपकी सिठाई हुई बुद्धि से होगा। नारद से नहीं, नारद से नहीं, नारद। तो शीघ्र उपाय बताइए मुनिवर, पार्वती को कैसे पा सकते हैं? अपने अखंड तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न करो। अमर होने का वरदान पाकर तुम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो भस्मासुर। देवऋषि नारद की बाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। जब प्रलय के देवता शंकर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे तब ब्रह्मा विष्णु स्वयं परास्त हो जाएंगे। और रहे बिचारे देवता, उन्हें तो हम मच्छर की तरह मथल डालेंगे। नारायण 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 नारायण। ये क्या हो गया? शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। भस्मासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। आंखें खोलो वत्स, आंखें खोलो। देवाधिदेव भगवान कैलाशपति की जय। तो दानवपति, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? निर्भय होकर वरदान मांगो। तो भस्मासुर को यही वरदान दीजिए, जिस किसी के सिर पर हाथ आए वह उसी समय जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। तथास्तु। ज्वालामुखी की लपटों से भी भयानक जला देने की शक्ति मेरे हाथ में आ गई। अब मैं अजय हूँ, तूफान हूँ, प्रलय हूँ, देवताओं का पल भर में नाश कर सकता। भस्मासुर, शक्ति का वरदान पाते ही दूसरे दानवों की तरह तू भी अभिमान में पागल उठा? पागल तो तुम हो शंकर, जो अपने ही विनाश का वरदान मुझे दे दिया। अब देवर्षि नारद की वाणी सत्य होकर रहेगी। नारायण नारायण। क्या कहा था नारद ने? नारद ने कहा था, यदि त्रिलोक पर राज्य करना है तो पार्वती को अपनी महारानी बना लो। मर गया विमोट। नारद का यह दुस्साहस मैं अभी देखता हूं। ठहरो, नारद से बाद में निबटना, पहले पार्वती को मुझे सौंप दो। महाशक्ति पार्वती के प्रति ऐसे नीच विचार रखने वाले पापी, तेरा काल तेरे सिर पर मंडा रहा है। काल मेरे सिर पर नहीं, तुम्हारे सिर पर मंडा रहा है। सावधान।
छोड़ दो मुझे। नहीं 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 भस्मासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं शंकर को दस्त करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं छोड़ दो शंकर को। शंकर को छोड़ूंगा तो पार्वती कैसे मिलेगी? अरे तो पार्वती को छोड़ दो तो मैं तीनों लोग का स्वामी कैसे बनूंगा? अरे तो तीनों लोग को छोड़ दो ना। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ दो मुझे। शंकर को देखता हूँ कहाँ गया। नारायण कहाँ हो? सबको गिरफ्त पा ले। क्षीर सागर में हो या बैकुंठ में, जहां भी हो चले आओ, खतून चले आओ। क्या बात है नारद, कौन सा संकट आ गया है तुम पर? संकट मुझ पर नहीं प्रभु, भोलेनाथ पर आया। भोलेनाथ पर? हाँ प्रभु, बोले क्षीर। प्रभु सोच क्या रहे हैं? जल्दी कीजिए, अगर भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ के सर पर हाथ रख दिया तो बस नारायण। ये क्या हंसी और भाग्य? भोलेनाथ भोलेनाथ! Thank you.
छोड़ दीजिए हम। नहीं, मैं तुझे भस्म करके ही रहूंगा। भस्मासुर तो भस्म हो चुका है भोलेनाथ, फिर इस बेचारे को। ये बेचारा नहीं, दुष्ट है, पापी है। नहीं नहीं, मैं तो पुण्य आत्मा हूँ। पुण्य आत्मा देख लिया गुरुदेव, भस्मासुर के हृदय में माता पार्वती के प्रति वासना को जन्म देकर भी ये अपने आप को पुण्यात्मा कहता है। मैं तो पहले ही कहता था कि नारद का जन्म संसार के कल्याण के लिए नहीं, विनाश के लिए। नारायण नारायण, नाम लेता है नारायण का और काम। अजी काम तो मैं सदा अच्छा ही करता हूँ। और सुनिए। हाँ तो सुनिए ना, कान खोल कर सुनिए। मैं माता पार्वती की ओर न लेता तो भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के पीछे ना पड़ता। भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के पीछे ना पड़ता तो लक्ष्मीपति मोहिनी रूप धारण करके उसका नाश न करते। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ बेचारा भस्मासुर मर गया, आपका इंद्रासन बच गया, नहीं तो आप अपने देवताओं के साथ भटकते ही। उधर कोई भाव नहीं पूछता आपका। बताइए बाबू, मैंने कुछ बुरा अच्छा ही किया ना? आप भी कुछ समझे नहीं समझे ना? मेरे प्रियतम, सोच क्या रहे हो? आओ मेरा घूंघट उठाकर मेरा जीवन धन्य कर दो। आओ पिया, आओ ना। ना ना ना, ¡Gracias!
बने फूलों का हार, नारद की क्या दशा कर दी है? ये सब मायासुर के मृत्यु की तैयारी हो रही है। वो कैसे भगवान? तुम तो सबको जानती हो देवी, तुम स्वयं माया हो। बस इतना ही कर दो कि किसी भी प्रकार नारद को माया सरोवर तक पहुंचा दो। पिताजी, पिताजी, प्रभु 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 मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ नारद, बड़े सचट्टू दिखाई देते हो। अरे नारद, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो और मुंह पर पसीना कैसे? क्या बताऊं भगवान, मुश्किल हो गया जीना। तभी रुद्राक्ष की माला की जगह मोतियों का हार, हाथे में वीणा की जगह फूलों की वरमाला, किस सुंदरी के पीछे भागे जा रहे हो? ना, 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 ना। वो देखो सावन का झूला है बिन बहार, जीवन का झूला बिना प्यार। अच्छा, तो मुनिवर ये बात है? माता जी, बात कुछ भी नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे तो जा जा ना यहाँ से। देवर्षि माला हाथ में क्यों रखी है, पहना ही ना। नहीं प्रभु, ये माला पहनाने के लिए नहीं है, ये माला तो है मेरी जान। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ दीजिए ना मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम। देख लिया आपने, गले ही फूल गई है। बेटे कब तक ब्रह्मचारी रहोगे, इससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? सच है नारद। नहीं नहीं प्रभु, नहीं, मैं इससे विवाह नहीं करूंगा, ये माया है और माया नारद को कभी स्पर्श नहीं कर सकती। क्या माया आपको कभी स्पर्श नहीं कर सकती? नहीं। तो सुनो, धरती पर एक माया सरोवर है, बड़े से बड़ा तपस्वी भी उसमें स्नान करके माया में फंस जाता है। तुम उसमें स्नान करके दिखाओ तो जाने, क्यों डर क्यों गए? नहीं 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 नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, मैं इस परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन आप सब लोग, मेरी एक मांग है, उसे सुन लीजिए। क्या मांग है? जैसे मैं सरोवर से निकलूं, ये बसला है ना बसला, इसे स्वर्ग से बाहर कर दिया जाए। अरे आप मुझे क्या बाहर कर देंगे, सरोवर से बाहर आते ही आप मेरे पीछे पीछे भागोगे। देख लेंगे। अच्छा, तो ये है वो माया सरोवर। हाँ, जल्दी से जाइए और डुबकी लगाइए। अब फिर देखिए माया सरोवर की माया, नहाते ही बन जाएगी कंचन काया। काया और माया ने तुम सबका मन भरमाया, परंतु मैं यूं गया और यूं आया, नारायण नारायण। क्या रूप पाया है तुमने, कौन हो तुम? सुंदरी? नहीं नहीं, मैं कोई सुंदरी उंदरी नहीं। अरे सुंदरी नहीं, सुंदरा कहो, सुंदरा भाकर कहाँ जाती हो? आज तो तुम्हारे साथ हमारा विवाह होगा। हाँ, और रात को सुहागरा। मैं कहाँ फंस गई? क्या चांद का मुखरा है, थोड़ी नाक जरूर लंबी है। अजी लंबी नाक वाली बड़ी भागशाली होती है। देखते हैं आज सुहाग रात है, किसकी नाक रहती है, महाराज की
या महारानी की? क्या मतलब? लड़की हो गई या लड़का? अरे सुनो सुनो कहाँ चली? अरे सुना तो सुनो। अरे वो चली गई तो हम तो आ गए सुंदरी। ओए माँ इतना बड़ा। हाय सुनो जी अब क्या होगा? कहाँ मैं गुलाब की नाजुक कली और कहाँ ये सवा तीन मन का कद्दू, ना जाने मेरी क्या दुर्दशा होने वाली है। अरे वाह क्या? अरे मेरी रानी ये रात रोने की नहीं हंसने की है, हंसते हंसते डूब जाने। चल हट जा रहे मुँह में तो डूब जा चुल्लू भर पानी में। अरे चुल्लू में तो उल्लू डूबते उल्लू। मेरी कलाई छोड़ो छोड़ो ना छोड़ो। अरे भैया मेरी मैया। मैया ने कहो सैया कहो सैया और करो मुझसे प्यार। पूजा पूजा तू करो प्यार प्यार पूजा। अरे हर सुंदरी पानी से हमारी प्यास नहीं भरती, अपने इन अधरों का अमृत पिलाओ। अधर नगरी चौपट आजा। ओ ऊपर वालियो ओ महादेवियो मुझे बचाओ। छोड़ो ना। अरे मैं कैसे तू छोड़ो ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं मेरी प्राण पे। नाती कहाँ है? आ जाइए अब मैं क्या करूं? अब अधिक न सताओ सुंदरे। अरे कहाँ भाग गई हो? मेरे पीछे ही पड़ गया है। अरे सुंदर किधर किधर गए पकड़ो पकड़ो। मुझे बचाओ मेरे बच्चे। मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण।
दीवानी, हाय मेरी शक्ति जवानी, बना ले मुझको रानी। दाढ़ी मूछे अब साफ करा के, अरे बन जा बाके जवाने, तोड़ के कंठी माला कर ले इन अधरों का पार। अभी तो कर ले मंगनी बाद में। बाद में क्या? बाद में। चला जाओ यहाँ से। यहाँ से कैसे जाऊँ, जहाँ जाऊँ उसको पाऊँ, मन को कैसे समझाऊँ, लगी अब कैसे बुझाऊँ। खेल प्यार का खेले शर्म क्यों करता मुझे अपना ले, अरे खोल के अपने दिल के ताले, ओ छेला उसमें मुझे बिठा ले बाद में। बाद में क्या? बाद में। नारद को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तेरा ही विनाश करता हूं। वरुण, अरे तेरा विनाश होगा नहीं रहेगा। भूलते हो शुक्राचार्य, अमृत पीकर हम देवता अमर हो चुके हैं। अमर तो देख हम तेरी क्या दुर्दशा करते हैं, तो इसी समय पर शांत हो जा। वरुण पाषाण बन गया, सुरदेव वरुण पत्थर हो गया, पत्थर। शुक्राचार्य मायासुर हंस लो, और साथ में तुम भी अपने शिष्य वर्ण की दुर्दशा पर हंस लो। देवताओं की गुरु देख क्या रहे हो, कर लो अपने शिष्य का उद्धार। मायासुर अब इन सीखों में कोई दम नहीं रहा, बृहस्पति तुम्हारी शक्ति समाप्त हो गई। अभिमानी असुर तू मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा, पर याद रख तेरे ही कारण जल का देवता पत्थर बना, तेरी मृत्यु भी जलधारा से होगी। परंतु बृहस्पति जब जल ही नहीं बरसेगा तो मायासुर कैसे मरेगा? कभी नहीं मरेगा। नारद वरुण के पत्थर बन जाने का कारण है नारद, नारद ही सब पाप की जड़ है, आज नारद ने ही सारे संसार को विनाश की आग में झोंक दिया है। स्वर्गाधिपति ऐसे शब्द कहकर आप भगवान नारायण के परम भक्त देव ऋषि नारद का अपमान कर रहे हैं। वत्सला यदि कालों के काल भगवान महाकालेश्वर को भस्मासुर भस्म कर देता तो संसार उसी घड़ी महाप्रलय के महासागर में डूब जाता। तुम नारद का पक्ष ले रही हो? मैं सत्य को सत्य ही कह रही हूँ, इसलिए कि तुम उस सन्यासी से हार कर उसे प्रेम करने लगी। वत्सला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम उस वैरागी का साथ छोड़कर स्वर्ग में वापस आ जाओ। नारद के पीछे दौड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल सकता है जिनके हृदय में, जिनके अधरों पर, जिनकी वीणा पर सदा नारायण का नाम ही गूंजता है,
ऐसे महात्मा के चरणों की छाया में ये स्वर्ग तो क्या, ऐसे हजारों स्वर्गों को मैं नौछावर कर सकती। संसार के शत्रु नारद का गुण गाने वाली नारी चली जाए यहाँ से, फिर कभी भूलकर भी स्वर्ग में पांव न रखना। नहीं रखूंगी, जहाँ मेरे देवता का अपमान होता हो ऐसे स्वर्ग से धरती अच्छी। चुप रहो। कभी नहीं, मैं बार बार कहूंगी नारद मंगलकारी है, कल्याणकारी है। नारद है तो नारायण है, नारायण है तो नारद है। धन्य धन्य हो वत्सला, तुम महान, तुम्हारा नारद महान। नारद महान। गुरुदेव, आपने नारद को फिर से जन्म दिलवाकर सारे संसार को मृत्यु का निमंत्रण दिया है। अब चारों तरफ अकाल का हाहाकार मच कर ही रहेगा। वरुण के पत्थर बन जाने के कारण संसार अकाल के चक्रम पर अविनाश की ओर जा रहा। अपनी बनाई हुई सृष्टि की रक्षा कीजिए भगवान। वरुण को मुक्त करके संसार को विनाश से बचाने का केवल एक ही उपाय। वो क्या ब्रह्मदेव? मायासुर की मृत्यु। पृथ्वी पर अकाल, भूख से तड़पते हुए नरक अंकाल, चारों तरफ मरघट से शांति, मृत्यु का अंधकार। दया करो, दया करो तारापति, दया करो, हम गरीब पर दया करो तारापति, संसार का विनाश न करो। संसार का नाश मैं नहीं नारद कर रहा है, तुम सबको इस दशा में पहुंचाने का कारण नारद है। हाँ, उसी ने छल कपट से मेरे भाई भस्मासुर को मरवा डाला। यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो नारद को मार डालो, वरुण और पवन की मुक्ति चाहते हो नारद को मार डालो। ठीक है, हम नारद को मार डालेंगे। नारद बेटा, नारद, 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 ओ नारद। बेटा नारद, माँ जी, नारद को ढूंढने वाली आप कौन हैं? मैं उसकी अभागिन माँ हूँ। बरसों पहले वह भगवान की खोज में गया था, अब तक लौट कर ना आया। बेटी, तूने उसे कहीं देखा है? देखा, कई बार देखा, बार बार देखा। उस महात्मा के वीणा के तारों से मेरे मन के तार झंझना उठे, पर उनके हृदय को मैं आज तक न समझ सकी। बेटी, तेरे आंसुओं ने तेरे मन की बात कर दी, मैं सब कुछ समझ गई। मेरी बच्ची, चल चल, हम उसे ढूंढे, वो जरूर मिलेगा। चलिए माँ जी। नारद बेटा, नारद, नारद, नारद नारद, चलो नारद, चलो, कहाँ है? हम उसे ढूंढ रहे हैं, हम उसे जान से मार डालेंगे। मेरे नारद ने आपको क्या बिगाड़ा है? सब कुछ बिगाड़ा है, उसने दानवपति भस्मासुर को मरवा डाला है, जिसका बदला लेने के लिए दानव गुरु शुक्राचार्य ने वरुणदेव को पत्थर बना दिया। शांति हो, वरुणदेव के पत्थर बन जाने से चारों तरफ अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं। महिषासुर का भाई मायासुर ने कहा है, जाओ नारद को मार डालो, हम वरुणदेव को मुक्त कर देंगे, हम नारद को मार डालेंगे। सुन लिया, केवल तुम्हारी मौत ही संसार के मानवों को मृत्यु से बचा सकती है। सत्य कहते हो इंद्रदेव, आज मैं ही मानव की मृत्यु का कारण बन गया हूँ। सोच क्या रहे हो? अब यही तुम्हारा प्रायश्चित है। विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर मायासुर के क्रोध की ज्वाला को शांत कर दो। नहीं, कभी नहीं, हम वरुण और पवन को कभी मुक्त नहीं करेंगे, सदा पत्थर ही बने रहेंगे, पत्थर। दानवराज, आप इतने पत्थर दिल ना बनिए, आपके पैरों तले आप ही की जनता से सबसे चक्कर दम तोड़ दे। इतना क्रोध कीजिए कि आपकी क्रोधाग्नि में लाखों करोड़ों मानव
जलकर बस भस्म हो जाए, मिट जाए, सारी दुनिया का विनाश हो जाए, हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया वाले अपनी आंखों से देखें कि नारद का जन्म संसार के कल्याण के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए हुआ है। नहीं, नहीं, विनाश के लिए। नहीं नहीं लालपुरा, ये अन्याय है। ये अन्याय किसने किया? नारद ने। देवताओं के साथ षड्यंत्र रचाकर हमारे भाई के प्राण किसने लिए? तुम्हारे बेटे ने। हम इसका बदला लेकर रहेंगे। बदला नहीं लेता, तो नारद की मां संसार से नहीं, मेरे खून से अपनी प्यास बुझा। नहीं, मुझे तो दुनिया को नहीं, हमको सुनना नहीं चाहते। इस गरीब बुढ़िया की झोली में दया और क्षमा की भीख डाल निर्दोष मानवों के प्राण बचा। उन गरीबों पर दया करो। दया? मेरे भाई के हत्यारे को पाल पोस कर पाया करने वाली दुष्टा, तू मुझसे दया की भीख मांग रही है? जा, निकल जा यहाँ से। दूर हो जा मेरी आंखों से। याद रखो मन, तेरे ही सत्याचार को तेरा मुक्ति करोगा। संसार का नाश करने वाले मेरे सबसे पहले तेरा नाश होगा। पकड़ लो इस बुढ़िया को और पहाड़ की तोड़ी पर से फेंक दो। ले जाओ, छोड़ दो। वो पापी न राक्षस निर्दोष आत्माओं का बलिदान तुझे जन्म जन्म खून के आंसू रुलाएगा। चुप रहो। गरीब ना दुखियों की आए तेरी आंखों के सामने तुझे मौत का फैसला निकला। तू रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा, लेकिन कोई तेरे पास नहीं आएगा। तू तड़प तड़प कर निकट निकट कर मरेगा। आत्मा की शांति का मार्ग ढूंढ लिया, किंतु आप उस आत्मा की जरा भी चिंता नहीं जो आपके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चुकी है। हर घड़ी दिन रात आपका नाम लेती है, आपकी पूजा करती है। नाम, पूजा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपने मेरी सुनी कब है? किंतु जिन चरणों की धूम से मैंने अपनी मांग सजाई है, उस मांग को मैं अपनी जीते जी सुना नहीं दे सकती। मैं इन अग्नि के लपटों में आपसे पहले मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस नहीं, क्या करूँ? पढ़ने का कारण केवल तू है, तू ही इस विनाश की जड़ है। तुम सच कहती हो माँ, मैंने जगत कल्याण के लिए भस्मासुर को मरवाया, किंतु मुझे नहीं पता था कि ये धर्म का काम मेरे लिए पाप बन जाएगा। माँ, मैं पापी हूँ, मैं हत्यारा हूँ, ये लो मार डालो मुझे। नारद, मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। माँ, तुम्हारे बहते हुए आंसू पोंछ डालो, मेरे रथ से ही कलंक धुलेगा। ये लो माँ। हाँ माँ, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। देर न करो माँ, देर न करो, मार डालो, मार डालो मुझे। नहीं, 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 नहीं।
मैं तुझे नहीं मार सकती, मैं तेरी मृत्यु नहीं देख सकती। परंतु माँ, मेरी मृत्यु के बिना यह काल कैसे दूर होगा। आय नमः ओम गंगाय नमः ओम गंगाय नमः अयोध्या पति भगीरथ, माँ गंगे, लोक कल्याण और अपने पितृ उद्धार के लिए आपकी तपस्या करते करते सगर के वंशज अंशुमान और दिलीप मिट गए। क्या आप चाहती हैं कि भगीरथ भी समाप्त तो हो जाए? देवराज इंद्र, केवल भगीरथ ही नहीं, अकाल पीड़ित मानवों के तो विचार करो। यदि आप जलधारा के रूप में धरती पर न गई तो लाखों प्राणियों का संहार हो जाएगा। वरुण और पवन पाषाण के पाषाण ही बने रहेंगे। पवन, वरुण, भगीरथ, धरती, अकाल, तुम सब अपने स्वार्थ के लिए मुझे प्रभु के चरणों से दूर करना चाहते हो। इस विनाश का कारण कौन है? मैं नहीं, नारद। तो दंड नारद को दो, मुझे नहीं। प्रभु के जन्मदिन पर मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकती। चिंता न करो माँ, मुझ पर विश्वास रखो, मैं भगवती गंगे को धरती पर ला कर ही रहूंगा। केवल माँ गंगे के आने से ही धरती की प्यास नहीं बुझेगी मुनिवर, आपको महादेवी सरस्वती और लक्ष्मी को भी लाना होगा। गंगा ने मना कर दिया तो हमारे पास चले आए। भगीरथ को संसार को गंगा की आवश्यकता है तो वो चली जाए, हम क्यों जाए? भगवती, संसार को न आपकी न गंगा की, जल की आवश्यकता है। तो वरुण से कहो। वरुण शुक्राचार्य के श्राप से पत्थर बन गया है। तो हम क्या करें? केवल आपकी जलधारा ही उसे ये श्राप से मुक्त कर सकती है। कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगी। सरस्वती को भेज दो। वाह, आप नहीं जाएगी, गंगा नहीं जाएगी, तो मैं भी जाऊँ? हम तीनों में से एक भी नहीं जाएगी। चलो माँ, मैं गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों महादेवियों को धरती पर लाऊंगा। जिस बेटे के कारण संसार के सामने तुम्हारा शीश झुका है, अब वही बेटा संसार के सामने तुम्हारा शीश उठा कर रहेगा। माँ, नारद ने अपनी माँ के सामने यह प्रतिज्ञा की है, मैं गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती को जलधारा के रूप में धरती पर लाऊंगा। क्या कहते हो? तीनों देवियां जलधारा के रूप में धरती पर आएंगी, हमारा विनाश हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। हम इससे पहले नारद का विनाश कर देंगे। नारायण 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 महादेवियां कभी पृथ्वी पर नहीं आएंगी। नारायण नारायण, वो आएंगे, अवश्य आएंगे, सूखी हुई धरती को हरी भरी बनाने के लिए, लाखों करोड़ों मनुष्यों को नवजीवन देने के लिए तीनों माताओं को धरती पर आना ही होगा। तुम्हारा यह सपना धरा का तरा ही रह जाएगा। नारद, तुमने आज तक किया ही क्या है? तुम्हारा हर कार्य उल्टा ही हुआ है। देवराज इंद्र, जो मन में आए कह लो,
किंतु इस महान सत्य को तुम शीघ्र ही अपनी आंखों से देखोगे। मैं भगवान नारायण और अपने पिता ब्रह्मदेव के चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि माता गंगा लक्ष्मी और सरस्वती को स्वर्ग से धरती पर ले जाकर ही रखूंगा। कभी नहीं। देवी देवताओं की जय जयकार करने वाले, मैं इस संसार ही को नष्ट कर दूंगा। आपकी भयानक लपटों में जलाकर राग का ढेर बना दूंगा। धरती वालों के लिए अपने भगवान को नहीं भूल सकते। भले ही संसार रसातल को चला जाए, हम संसार वासियों के लिए अपने भगवान के प्रेम को नहीं टुकरा सकते। कहां मानव, कहां देवी देवता। देवी देवता, आपको देवी देवता बनाने वाले धरती के मानव हैं। ये उनकी भक्ति है, उनका प्रेम है, उनकी भावना है जिसने आपको महान बनाया। माताओं, मैं कह देता हूँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी समय है, आप अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। पालन पालन, नारद तुम हमें भगवान के चरणों से दूर करना चाहते हो, भगवान के प्रेम से हमें अलग करना चाहते हो। ठीक है, तो भगवान के प्रेम पर भगवान की बनाई हुई सृष्टि को मिट जाने दीजिए। मैं तो समझा था कि आप तीनों महाशक्तियाँ हैं, परंतु आप तो साधारण नारियाँ निकली। नारद, अपना क्रोध नारद पर नहीं, मायासुर राक्षस पर दिखलाइए। मायासुर जो अकाल और भूकंप के बाद सारे संसार को आग की लपटों में चला रहा है, वो देखिए। देख लिया आपने संसार की दुर्दशा, अब भी आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, कैसे हो सकता है? आपका हृदय पत्थर है, वज्र के समान है, किंतु याद रखिए, अगर धरती नहीं रही तो देवलोक भी नहीं रहेगा। रुक जाइए देवर्षि। देवी, वचन का पालन नहीं हुआ तो संसार क्या रहेगा? हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपका विजय कैसे सहन कर सकती हैं? प्रभु, हम आपसे दूर कैसे रह सकते हैं? परंतु मैं तुमसे दूर कहाँ? अनादि अनंत काल से मैं तुम में समाया हूँ और तुम सब मुझ में, मुझसे दूर रहते हुए भी तुम सब निरंतर मेरे पास रहोगी। परंतु देवी, आज संसार को विनाश से बचाना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। देखो, धरती के समस्त मानव तुम्हारी शक्ति को आवाहन कर रहे हैं। हे सरस्वती, हे गंगे, ओ माता दीन दुखी, तेरे बालक तुझे बुलाए, तेरी दया की बूंद बिना ऐसा ना हो मर जाए। क्या था जग सारा प्यास बुझा दे, बूंदे दया की मैया अब बरसा दे। I'm not afraid.
दुखियों की पुकार गंगा चली बन के जलधार, सुन के दुखियों की पुकार गंगा चली बन के जलधार, हर हर करती वेद से बहती करने पावन ये संसार, गंगा चली बन के जलधार, सुन के दुखियों की पुकार गंगा चली बन के जलधार, सुन के दुखियों की पुकार गंगा चली बन के जलधार। वेग गंगा की देख कर महादेव शिव शंकर, महादेव शिव शंकर, महादेव शिव शंकर, असुर के तन पर खड़े हुए लेने सर पे गंगा की लहर, गंगा की लहर, गंगा की लहर, मानव को नव जीवन देने अंबर से कल कल करती पावन जल की धारा बनकर चली लक्ष्मी सरस्वती, तीनों माँ की जल धारा से मिटेगा जब पापी दानव, तब बोझ हटेगा धरती का सुख शांति पाएगा मानव, सुख शांति पाएगा मानव। बिजली चमकी गर्ज उठा आकाश, नदियां उमड़ी सागर लहरा छाया चहूं उल्लास, जल की सुखद तरंग अंग धर मगन हुई प्यासी धरती, आई स्वर्ग से नदी रूप धर गंगा लक्ष्मी सरस्वती, अपने पुत्र के महाकार्य से माँ का जीवन हुआ धन्य, अपने भक्त की महिमा देख कर पुलकित हो उठ नारायण, पुलकित हो उठ नारायण, भजमन नारायण नारायण।